हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम लीफ आर्ट करेंगे, जिसमें हम हमारे आसपास जो आप देखते हो बहुत सारे अलग अलग ट्री होते हैं, उसके हमें अलग अलग लीव्स लेने हैं। आपको जो लीव चाहिए वो उतने ही लीव्स आपको कट करने हैं, ज़्यादा लीव कट नहीं करने हैं। और उसका अरेंजमेंट करके हम अच्छा सा कोई आज मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँ। देखो यहाँ पे आपको बटरफ्लाई जैसा शेप दिख रहा है ना, मैंने अलग अलग लीव्स लिए हैं और उसका मैंने पहले अरेंजमेंट किया। आपको भी वैसा ही करना है, आपको लीव्स लेने हैं और फिर आपको इस तरह से पहले आपके ड्राइंग के पेज में ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट करना है, बाद में ही आपको स्टिक करना है। देखो मैंने इस तरह से किया है, अभी हम इसको स्टिक करेंगे। आप छोटे से ऐसे फ्लावर्स भी, डेकोरेटिव फ्लावर्स भी ले सकते हो। हमें सबसे पहले ये जो करेन का लीव्स है वो हम लेंगे और आपको स्लीपिंग में आपकी जो ड्राइंग बुक का जो पेज है स्लीपिंग में आप करोगे तो अच्छा रहेगा। और फेविकॉल से आपको स्टिक करना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। फेविस्टिक से करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको स्टिक करने में। फिर यहाँ पे दो जो उसके पंख है बटरफ्लाई के बड़े बड़े, वो हम स्टिक करेंगे। बॉर्डर पे ही हम फेविकॉल लगाएंगे और ऊपर की साइड में एक पंख ऊपर की साइड में रखना है इस तरह से। आप चाहो तो एक कपड़ा लेके प्रेस कर सकते हो इस तरह से। अब जो भी लीव्स लेते हो दो साइड में एक ही सेम साइज के अगर लीव्स होगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये लीव्स नीचे की साइड में हम लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर अगर थोड़ा सा आता है, ये लीव्स के ऊपर भी अगर आता है तो चलेगा। देखो इस तरह से आपको बटरफ्लाई के जो विंग्स है वो हमने कट कर दिया। अभी उसका फेस, ये जो लीफ है उसका मैंने ऊपर का पार्ट कट के उसको सर्कल का शेप दे दिया है, आप भी वैसा कर सकते हो। और हम यहाँ पे फेस लगा देंगे और उसके जो एंटीना होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो फ्लावर्स थे ये उसकी डंडी है, वो मैंने ली है उसके एंटीना के लिए। तो आप इस तरह से दोनों साइड में देखो आपको इस तरह से लगाना है। अभी उसकी आईज के लिए भी ये जो फ्लावर्स है उसके दो लीव्स हम कट कर देंगे और वो आईज में लगाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो फ्लावर्स लगा सकते हो ताकि अच्छा हमारा बटरफ्लाई एकदम ब्यूटीफुल लगे। आईज के लिए देखो ये मैंने दो यहाँ पे देखो अच्छा सा हमारा बटरफ्लाई बन गया ना। ऐसे ही लीव्स से हम बहुत सारा आर्टवर्क कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। आज हमने स्टिकिंग किया है, फिर से मैं आपको प्रिंट भी कैसे करना है वो सिखाऊंगी। अभी इसको और ज़्यादा डेकोरेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑयल पेस्टल से हम यहाँ पे साइड में ग्रीन कलर येलो कलर दोनों ले सकते हो आप, लाइट ग्रीन यहाँ पे, और प्लांट्स जो होते हैं ट्री होते हैं उसकी हम इस तरह से दे सकते हो। सिंपल से आपको ऐसे लाइन ही बनानी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। दोनों साइड में
इस तरह से। देखो इस तरह से आपको ये जो बटरफ्लाई का लीफ आर्ट है वो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।